गुरु की पूजा की सब पूजा जे ही माही सब जल सींचे मूल पर शाखा पत्र अगा गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गौ पाए गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गौ पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए गोविंद दियो बताए। हेलो साहेब पलकें झुकें और नमन हो जाए जोरदार ताली के साथ में जो उपस्थित हैं महात्मा लोग महंत लोग उनके स्वागत में ताली का करतल ध्वनि से चाहूंगा। बोलो कबीर साहेब की, बोलो अविनाश साहेब की, और जोर शोर चाहिए। बोलो कबीर साहेब की। ज्यादा समय न लेते हुए पहले अपन गुरु वंदना करें। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। श्रद्धा से मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए। हमारे बीच अभी भी मौजूद हैं अभिलाष साहेब। शर्त है उन्हें पुकारने की, उनके ध्यान देने की। गुरुदेव दया करके मुझको अपना आप लोग भी गाएंगे तो मजा आएगा। मैं सुनाने नहीं आया हूँ, आप लोग साथ सत्संग करने आया हूँ। गुरुदेव दया करके
मानत है सब संग वालो हा कंचन करे ये कर ले सागर हो
तन मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। तन मन में समाए हो, हम प्राणों से प्यारे हो। वो नित्य माला जपूं तेरी, बहुत सुंदर भाव से लिखे हैं। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मुख बाही, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सूरन लिखे। साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मुख माही, बनवा तो चहुद से फिरे, ये तो सुमरन नाही। इसी बात को जिक्र अपने प्यारे का, जिक्र अपने प्यारे का गिन के वो भी दानों में। क्या साहेब कवाणी, क्या नाम, सिर्फ 108 माला, 1001 माला, इसी पे सीन निहित है क्या? जिक्र अपने प्यारों का गिन के वो भी दानों में, सच बताए जाहिद, सच बताए जाहिद, क्या यही इबादत है?
जितने भी मेरे साहेब के भक्त बैठे हैं तो खामोशी से ना सुने, मैं भी सुनना चाह रहा हूँ, मैं भी जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों को हरबिल से सुनना चाह रहा हूँ। मेरी आत्मा में, मेरे मन में, इन कानों में यही आवाज़ आनी चाहिए कि आप लोग भी गुणगान कर रहे हैं, मेरे साहेब अभिलाष साहेब का गुणगान कर रहे हैं कि साहेब आपकी याद में है लेकिन आप भी मौजूद हैं और उन्हीं सुना रहे हैं, हम गुरुदेव आपके शरण में आए हैं। गुरु नादान को भी गुणवान बना देता है और शरण जाने से सम्मान बना देता है, तो आप लोग भी बोलिए। आप लोग बोलेंगे ना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना जोर से। हम तो गिनती के सात लोग, आप लोग तो हजारों लोग हैं, आवाज आनी चाहिए। मेरे साहब के चाहने वाले भाई कभी सही ना दिखाए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, जोर से बोलिएगा। अभी नाश्ता करके आए ना जलपान, तो फिर आवाज में क्यों वो बात नहीं है, बोलेंगे एक बार चाहूंगा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, ये बात प्रयागराज की बात है। आवाज गुरुदेव दया करके मुझको अपना हो तो खरीद के लाओ। काफी देर से
हम लोग भजन सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। रायपुर से आए हुए भारती, क्या नाम लिखा था? अच्छा है, सुरेश। हाँ, सुरेश कुमार, श्री सुरेश कुमार ठाकुर जी, बहुत अच्छा स्वयं गा भी रहे थे और आप लोगों को भी अपने साथ लेके चल रहे थे और सबको संगीतमय माहौल बना के रखे। और फिर समय से आपका भजन सुनेंगे, अब कुछ संतों के विचार भी सुनेंगे। शाम को फिर भजन गायक, भजन गायकों की कई टीम है और इतने भजन गायक हैं, यदि प्रवचन न हो तो भी उन लोगों के लिए समय कम पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि इतने साज सज्जा के साथ गाते हैं तो एक भजन से तो केवल अभी भूमिका बनती है, उससे केवल गर्मी आती है, फ्लो तो आता नहीं है। चार पांच भजन हो तब फ्लो बनता है और एक भजन से तो उनको कुछ पता भी नहीं चलता है, क्योंकि 15-20 मिनट तो केवल उनको टीम टाम को ठीक ठाक करने में लग जाता है। तो फिर भी समय की बात है। देखिए 8 बजे से शुरू हुआ है बीजक पाठ, उसके पश्चात भजनों का कार्यक्रम चल रहा है और 9:30 होने वाला है, हो ही गया है, और हम कुछ प्रवचन संतों के सुनेंगे, उसके पश्चात फिर से बीच में जब भी भजन का अवसर मिलेगा हम ले लेंगे। इस समय भजनों के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, हम प्रवचन कुछ संतों से सुनेंगे। कहाँ गए सब संत लोग? अनुपस्थित दिख रहे हैं, कौन है? यहाँ बैठे थे, कहाँ चले गए लड़के लोग, हमारे साथी लोग? सरल साहब जी तो ठीक है, मैं संतों से भी निवेदन करता हूँ। श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहेब जी, श्रद्धेय संत श्री रतन साहेब जी, ऐसे ही और भी दूर दूर से संतजन आए हुए हैं, मेरा निवेदन है कि आप सब यहाँ आएं, अपने विचारों से सबको लाभान्वित करें। हेलो 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 भूपेन, तुम क्यों खड़े बात कर रहे, इधर आ। हेलो हेलो हेलो, कहाँ गए अब, क्या नाम है, अजय कहाँ गए? अच्छा hello, थोड़ी देर और रामदास तुम बोलो। हेलो एक जने कोई बोलो, 10 मिनट ज़्यादा नहीं, आ जाओ। हाँ, हमारे साथी रामलाल जी एक अच्छे कवि हैं, पारक प्रकाश में आपकी कविता पढ़ते होंगे। हेलो, कविता बनाते हैं, गाते हैं, लेकिन इस समय तो प्रवचन है। थोड़ी देर हेलो विचार सुने। हाँ, आप उधर माइक्रोफोन को विराम देंगे। बोलिए सदगुरु देव की जय, वॉलंटियर से समाज की जय। कल कई लोगों को वॉलंटियर्स का बिल्ला दिया गया था, उनमें से तो केवल श्री बेदराम जी ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब कहाँ गए? मंच की व्यवस्था देखने के लिए लोग सामने से क्रॉस करते हैं, गुजरते हैं। मेरा निवेदन है कि आप लोग पीछे से रास्ता है वहाँ से जाया करें, सामने से ना आए, कई रास्ते हैं, आप लोग इसका ख्याल करें। और अब प्रवचन सुने, ठीक है। परम पूज्य, एक स्टैंड चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सत्यान्वेषी धर्म प्रेमी सज्जनों, साहेब जी की आज्ञा अनुसार कुछ देर विचार रखने का प्रयास करता हूँ। सद्गुरु ने कहा है, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुआ बहुरी ले आवे मांग।
कबीर साहब की बातें जग जाहिर है। जब भी वे कोई बात कहते हैं तो श्रोताओं के बीच वे उदाहरण के साथ अपनी बात रखते हैं। इसमें साहब कहते हैं, भक्ति प्यारी राम की, राम की भक्ति प्यारी होनी चाहिए। तो किसी ने पूछा, कैसे प्यारी हो, किस तरह से? तो साहब ने कहा, जैसी प्यारी आग। जिस तरह से आग हमें बहुत प्रिय है, अनेक कामों में उसका उपयोग करते हैं, बिजली के रूप में, खाना बनाने के रूप में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, तरह तरह से। जिस पंखे का हवा आप ले रहे हैं वो भी एक आग का ही रूप है। तो साहब कहते हैं, आग की तरह प्रिय होनी चाहिए। और कितना गहराई से प्रिय हो, साहब अगली पंक्ति में उसका उदाहरण देते हैं। सारा पट्टन जरी मुआ, बहुरी ले आवे माग। आग लगी कहीं गांव में, शहरों में, तो शहर जलकर खाक हो गया, गांव जल गया पूरा। लेकिन आग से भी तिसड़ा नहीं हुई, आग से नफरत नहीं की गई, पुनः उसको उपयोग में फिर लाया गया। नहीं है तो किसी से मांग कर ले आया गया। ये उस समय की बात है, कबीर साहब जब थे आज से 550 वर्ष पूर्व, उस समय आग मांग कर लाया जाता था, कंडे से या ऐसे लकड़ी से, माचिस और लाइटर ये सब नहीं थे उस समय। उस समय की बात साहब कहते हैं। पहली बात कहते हैं, राम भक्ति प्यारी, राम की, राम की भक्ति प्यारी हो। तो हमें समझना चाहिए राम कौन है, उनका राम घट घट में है। वे कहते भी हैं, हृदय बसे ते ही राम न जाना। जो राम हृदय में बसता है लोग उसको जानते नहीं हैं। कहते हैं, सुनते हैं कि हृदय में है, लेकिन तत्वतः नहीं जानते। इसलिए सुनते समझते हुए भी लोग नहीं समझते हैं। गीता में भी महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए कहा कि अर्जुन, उस परम तत्व को जो घट में है नहीं जानते हैं, सुनते हैं, और कितने लोग सुनते हुए भी उसको नहीं समझ पाते हैं, और समझते हुए भी उसको लोग धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों की अभिरुचि ही इधर नहीं है। आदमी की रुचि किधर है, किधर है उसकी अभिप्सा, संसार के ऐसो आराम की ओर, संसार के मान प्रतिष्ठा, लोभ ऐश्वर्य, दुनियादारी चीजों में आदमी की दृष्टि है। क्या बात है, सब समय आदमी संसार की ओर ललायित है। यहां ये चीज मिले, वो चीज मिले, यहां खड़ी रहो, यहां ना मिलती भी है चीजें खूब, रोकना सबको, लेकिन मन मन संतुष्ट नहीं होता। ये नहीं कि गरीब ही दुखी है, जिसको आप अमीर समझते हैं धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, ऐश्वर्य से, उनके पास जाके आप पूछ लें कि वे कितना सुखी हैं। अगर वो सत्य कहे तो यही कहेगा कि दुनिया में मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। हर आदमी के पास दुख है, लेकिन क्यों दुखी है नहीं समझ पाता। दुख है बाहर की ओर ललायित होने से, ललचाने से, जिसको दार्शनिक भाषा में तृष्णा कहते हैं।
मृग तृष्णा। मृग को भ्रम होता है पानी का, गर्मी के दिनों में धूप की लहरियों में मृग को पानी नजर आता है, दौड़ कर जाता है तो कुछ नहीं, सूखा सूखा रेत, फिर आगे वही देखता है पानी और फिर दौड़ के जाता है। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते वो गिरकर मर जाता है, पानी नहीं मिलता। हमारी दशा यही है, जब से जन्म लिए हैं, होश में आए हैं, तब से दौड़ रहे हैं। किसके लिए? सुख के लिए, शांति के लिए, परमानंद के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, मोक्ष के लिए, ईश्वर परमात्मा के लिए। तरह तरह से शब्दों से हम उसको कहते हैं, उन सब चीज़ के लिए हम दौड़ रहे हैं, आज तक वो नहीं मिला, क्योंकि हमारी दौड़ बाहर की ओर है। साहब कहते हैं वो राम तो हृदय में है, उसके लिए भटकते क्यों हो? हृदय को शुद्ध करो, अपने दिल को साफ करो। शीशा साफ होता है तो चेहरा नजर आता है, और जब दिल साफ होता है तो प्रभु नजर आता है। हमारा दिल साफ नहीं है, हम एक तरफापन में जीते हैं, कुछ अपना मान लिए हैं, उसी के इर्द गिर्द हमारा मन नाचता रहता है, उसके आगे हम जा ही नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं पाते। मोह कितने लोगों में होता है, जो कुछ अपना माने हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, बस इन्हीं लोगों में मोह होता है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब में कहाँ मोह पाता है? थोड़ी सी जमीन है उसमें मोह होता है, इतनी सारी जमीनें हैं सब में कहाँ होता है? अपना जो माने हैं थोड़ा बहुत, उसी में हमारा मन चक्कर काटता है, इसलिए हमें शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिल पाता। हमारा मन तो फैलना चाहिए, हमारा हृदय विशाल हो, सबके लिए सोचें, सबके हित की कामना करें। उस राम को हम हृदय में पाएंगे तभी, नहीं तो दुनिया के खाक छानते रह जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। जो हमारे सामने हैं उसको हम देवी देवता नहीं मानते, जो सामने नहीं हैं या फिर पत्थर पिंडियों में सिर पटकते हैं, कितना भ्रम है। और वो भी आज के युग में, विज्ञान युग में, जब विज्ञान चरम सीमा पर है, फिर भी हम धुंधुलके में जी रहे हैं, बाहर टटोलने में लगे हुए हैं, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। सदगुरु निर्मल साहब ने कहा है, कुकस कूटता संसार, सारा संसार कुकस कूट रहा है। कुकस कहते हैं भूसी को, भूसी कूट रहा है, भूसी कूटने से अन्न कहाँ मिलेगा? अन्न को तो हमने छोड़ ही दिया। उपनिषद में बात आती है, जिसने निश्चित को छोड़कर अनिश्चित को पकड़ा, उसने तो निश्चित को छोड़ ही दिया, और अनिश्चित वो तो छूटा छुटाया है। जो अपने हृदय में राम है उसको हमने भुला दिया, और हमारी दृष्टि बाहर की ओर, प्राणियों में, पदार्थों में, राग रंग में, चाक चिक में, इसी में हमारा मन डूबा है, कहाँ से शांति मिलेगा? और अनेक दोषों से हमने अपने दामन को भर लिया है, दाग लगा लिया है, उसको छुड़ाए बगैर शांति चाहते हैं? नहीं मिलने वाली है। दाग को छुड़ाना पड़ेगा, वो दाग है क्रोध का, लोभ का, मोह का, बैर का, ईर्ष्या की, ये सब दाग छुड़ाओ। अहंकार का दाग जबरदस्त है, हर आदमी को अहंकार है, हम बड़े हैं, बड़े हैं तो फिर बड़ाई का काम करो,
बड़े कहलाने की इच्छा ना रहो। हर आदमी बड़े हैं अपने आप में, सबको सम्मान दो। दूसरों को हम कुछ पूछेंगे ही नहीं, प्रेम नहीं देंगे और चाहेंगे हमें प्रेम मिले, कहाँ से प्रेम मिलेगा? और प्रेम की चाहत वही आदमी रखता है जो प्रेम से शून्य होता है। हमारे अंदर प्रेम की धारा नहीं बहती है, इसीलिए हम दूसरों से प्रेम चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं कि अमुक आदमी हमें सम्मान नहीं दे रहा, प्रेम नहीं दे रहा। जब हम प्रेम से लबालाब भर जाएंगे तो दूसरे हमसे नफरत भी करे, कटु कुठार भी कहे, वो कुछ नहीं लगेगा हमें। प्रेम नहीं है अपने अंदर, इसलिए एक एक बात हमें ठोकर देती रहती है और हम संसार में भूले हुए हैं इस कदर कि क्या कहा जाए। साहब कहते भक्ति प्यारी राम की, राम की भक्ति प्यारी हो, अपने अंदर में राम बैठा है। ऋषियों ने कहा रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामा, योगी जन जिसमें रमण करते हैं वह राम है, और वह राम सबके हृदय में बैठा है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घटघट लेटा, एक राम सकल संसार पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। एक राम हुए हैं जो सब जानते हैं, तीनों लोक में उसकी चर्चा है, संपूर्ण संसार में, वह है दशरथ का लड़का महाराज श्री रामचंद्र जी। एक राम घटघट में लेटा, एक राम हर घट में है, एक राम सकल संसार पसारा, एक राम है जो दुनियादारी में भूला हुआ है, और एक राम जो सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा है वो कौन है? वही है जो घट घट में है, वो अपने तरफ आ गया है, सबसे न्यारा कर लिया है, संसार में ललचाना छोड़ दिया है, मोह करना छोड़ दिया, बैर करना छोड़ दिया, राग द्वेष करना छोड़ दिया, सबसे प्रेम करता है, सबके साथ उत्तम व्यवहार करता है और अपने आप में मस्त रहता है। साहब कहते हैं जब राम की भक्ति में तुम लग जाओगे तो सबके साथ सुंदर व्यवहार करने लग जाओगे। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तब भी तुम उसके साथ प्रेम का व्यवहार करोगे। किस प्रकार? जिस प्रकार से आग लग जाती है और जला देती है, खाक कर देती है आग, फिर भी हम आग का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही कोई हमें कुछ भी कहे फिर भी हम प्रेम का व्यवहार करेंगे। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो साहेब की एक साखी, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुआ बहुरी ले आवे माघ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब। अभी विचार सुन रहे थे श्री रामलाल जी, जो हमारे इस संस्थान के साधक हैं। सदगुरु कबीर की यह साखी, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुआ बहुरले आवय मांग। कभी कभी आग जब गांव में लग जाती है नुकसान पहुंचाती है, लेकिन फिर भी हम उस आग को काम में लेते हैं, उसकी उपयोगिता बनी रहती है, महत्वपूर्ण है, तो फिर से मांग के लाते हैं, फिर से काम में लेते हैं। मतलब जब आप भक्ति और साधना के पथ पे चलेंगे तो आपको कुछ भौतिक प्रतिकूलताएं आएंगी, ऐसा लगेगा पहले ये सब नहीं था, जब भक्ति के रास्ते पर चले हैं, साधना करने लगे हैं तो देखो ये समस्याएं आने लगी हैं। ऐसा कुछ है नहीं है, आप न करें तो भी समस्याएं आएंगी, लेकिन मन ये मान लेता है। साहब कहते हैं उसके बावजूद भक्ति करो, उसके बावजूद प्रतिकूलताएं आए, समस्याएं आए, उसके बावजूद आप भक्ति करो। जिस प्रकार आग नुकसान करती है उसके बावजूद आग से आप काम में लेते हैं, ऐसे ही है।
अब आगे विचार हम सुनते हैं अपने ही साथी भूपेंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं। थोड़ी देर आप प्रस्तुत करें, 10 बजने वाले हैं, 10 बजे तक आप बोलें। मैं समझता हूँ तब तक हमारे वरिष्ठ संतजन भी विराजमान हो जाएंगे और उनके विचार सुनेंगे। श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहेब जी, श्रद्धेय संत श्री रतन साहेब जी, मेरी आवाज़ सुनते हों तो कृपा करके मंचस्थ हों, आए। हेलो, जो वॉलेंटियर्स आप लोगों को निर्देश देते हैं उनकी आप कहाँ खोजते हैं? अपने भीतर खोजते हैं कि बाहर खोजते हैं? परम पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब जी दिल्ली प्रवास में थे, एक बहुत ही संपन्न धनी जिसे हम कहते हैं, धनी घराने के पति पत्नी दोनों मिलने आए, गुरुदेव जी को प्रणाम बंदगी किए। प्रणाम बंदगी करते ही पूछे, गुरुदेव सुख कैसे मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा? हम दुखी हैं, सुखी हमारे सुख हमारे पास नहीं है। गुरुदेव ने कहा है, आप लोग तो धनी आदमी हो, सब सुख सुविधाओं से संपन्न हो और आपको सुख नहीं मिला। ऐसा करो, 4-5 लाख रुपया ले लो और दिल्ली के चांदनी चौक जो सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ पहुँच जाओ और किसी से 1 तोला सुख ग्रहण कर लो, खरीद लाओ। दोनों हंसने लगे, कहे गुरुदेव बाजार में सुख कहाँ मिलेगा? तब गुरुदेव भी मुस्कुराते हुए कहा कि जब बाहर नहीं मिलेगा तुम जानते हो तो खोजते क्यों हो? सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है छोटे से सूत्र रूप में, करह विचार तो सब दुख जाई। बहुत लोगों को मालूम है करह विचार तो सब दुख जाई, अगर विचार करोगे तो सारा दुख समाप्त हो जाएगा। अन विचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी, विचार नहीं करने से संसार सुखमय लगता है, जब विचार करते हैं तब संसार दुख से भरा है। इसलिए सुख को बाहर से मुड़कर भीतर खोजने की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरि गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, बाहर भटकता है। विचार करें, विचार करते ही हमारा सारा दुख समाप्त हो जाता है। विचार करने के 2 तरीका है। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी काम को करने के पहले अच्छी तरह से विचार कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को करने के बाद विचार करते हैं कौन अच्छा है। जो किसी काम को करने के पहले अच्छी तरह से सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, पहले ही जो विचार कर लेता है उसको जीवन में कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, और जो किसी काम को करने के बाद सोचते हैं विचार करते हैं तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए पहले ही विचार करना चाहिए, सुख कहाँ है बहुत से लोगों का प्रश्न है। यही प्रश्न गीता में अर्जुन जी पूछ रहे हैं श्री कृष्ण महाराज से, भगवान सुख कहाँ है? श्री कृष्ण इस उत्तर का उपदेश देते हुए कहते हैं, शक्नोति है वे यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नरः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, शक्नोति है वह यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर के मरने के पहले पहले, विमोक्षणात् मोक्ष के पहले पहले मतलब मृत्यु के पहले पहले, जो पुरुष जो मनुष्य अपने इस शरीर में होने वाले काम क्रोध लोभ मोह के उद्वेगों को सहन करने में सफल हो जाता है, कहते हैं वह योगी है, वह सुखी है। हम विचार करें हर बात पर, भोजन करने बैठें तो पहले विचार कर लें, भोजन अल्प हो सात्विक हो और सहज प्राप्त हो, हिंसा से प्राप्त न हो, वह भोजन सात्विक है।
भोजन सात्विक करें, भोजन करने के पहले विचार कर लें। जितने भी हमारे भाई लोग नशाखोरी करते हैं ना, तंबाकू खाते हैं, ड्रिंक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, अगर उसको लेने के पहले विचार कर लें कि जिस चीज़ को मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ वह मेरे शरीर और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही कि नहीं है, इतना ही अगर सोच लेते तो उसको समझ में आ जाता कि वह ग्रहण करने योग्य है कि नहीं है। तो हर बात को हम विचार करके ग्रहण करें, भोजन करें विचार कर, बोले तो विचार कर, कहीं जाना हो विचार कर, मकान बनाए विचार कर, गाड़ी खरीदे विचार कर, गाड़ी पर बैठे भी तो विचार कर, संबंध जोड़े विचार कर, और संबंध को कभी तोड़ना पड़े तो भी विचार कर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हमारा हरेक काम विचार पूर्वक हो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिकारे आपनो जग में होत हसाए। इसलिए साहब कहते हैं हमारे जीवन विचार, हर बात हर काम को हम विचार पूर्ण ढंग से करें। हर जीव अर्जुन की भांति है, सबके भीतर कुछ उत्कंठा होती है, कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, इसलिए जो जीव है वही अर्जुन है, और जो उपदेश कर रहे हैं वही कृष्ण है, जो गुरु हैं वह कृष्ण है। हर जीव जो अपने गुरु से प्रश्न कर रहे हैं ये गुरु और शिष्य का संवाद है, पूरा गीता आप पढ़ करके देख लीजिए, प्रश्न और उत्तर से भरा हुआ है। कबीर साहब का बीजक पढ़ करके देखिए, आत्मज्ञान परक है, हर बात में आप देखिए बाहर से मुड़ करके भीतर लौटने का प्रयास। दो रास्ते हैं, दो दिशाएं हैं बाहर में, एक भीतर की ओर जाने वाला और एक बाहर की ओर जाने वाला। जो बाहर बाहर भटकता है कभी उसको सुख शांति नहीं मिलती है, जो बाहर से मुड़कर अपने में आने का प्रयास करता है उसको सुख और शांति मिलते हैं। इसलिए सुख और शांति प्रदान करने वाले संत होते हैं। जहाँ संत होते हैं, संतों की शरणागति होती है, संतों का सत्संग होता है, वहाँ सुख अपने आप चला आता है। इसलिए किसी शायर ने बड़ा जोरदार कहा, संत जहाँ होते हैं वहाँ सार नजर आता है, संत जहाँ होते हैं वहाँ सार नजर आता है, मिटी हुई मानवता में आकार नजर आता है, होली दिवाली और नए वर्ष साल में एक बार आते हैं, संत जहाँ होते हैं हर दिन त्योहार नजर आता है, हर दिन त्योहार नजर आता है। देखिए किसी कैलेंडर में किसी तारीख में आज त्योहार नहीं है, लेकिन ये संतों का समागम, संतों का समागम एक चलता फिरता प्रयागराज है, ज्ञान का खजाना है। लोग कहते हैं गंगा में नहा लो तो मुक्ति है, मैं भी इस बात को मानता हूं लेकिन पूरा नहीं। आप लोग सुने होंगे गंगा में नहाने से मुक्ति होती, मैं मानता हूं लेकिन पूरा नहीं। गंगा में नहाने से मुक्ति तो है, लेकिन वो गंगा कौन सी है पहले ये भी तो जानना होगा ना, वो गंगा कौन सी है? वह गंगा है ज्ञान की गंगा। इसलिए गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा, मुद मंगल मैं संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। गोस्वामी जी को भी ये कहना पड़ा अर्थी असली तीर्थराज कौन सा है, अर्थी असली तीर्थराज प्रयाग है, ये संतों का समागम, और इसमें स्नान करने से हमारे मन के मैल जरूर धुल जाते हैं। आप गंगा स्नान करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? पाप धोने के लिए। कबीर साहब कहते हैं और संत जन कहते हैं पाप करो ही मत, तो धोने की आवश्यकता ही क्या है, है क्या? पाप है ही नहीं तो उसको धोओगे कहाँ, और पाप है भी तो मन में है, जब मन में पाप है तो तन को धोने से कैसे धुलेगा, इसको भी समझ लो। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, रोज मल मल नहाने से क्या पाएगा, रोज मल मल नहाने से क्या पाएगा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, त
तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को तो रोज धोते हो, रोज जब आदमी सो करके उठता है तो स्नान करता है, कपड़े धोता है, घर आंगन की साफ सफाई करता है। सज्जनों एक बात और गौर करें आप, दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं स्नान करने की आवश्यकता सिर्फ मनुष्य को पड़ती है और किसी जीव को नहीं पड़ती है। क्यों पड़ती है बताओ भाई? आपका शरीर सबसे ज्यादा कमजोर और रोगी है, 5 दिन नहीं नहाओगे ना तो रोग ग्रस्त हो जाओगे। तो जो इतना जरूरी जब शरीर को धोने किया है तो मन को धोने की आवश्यकता नहीं है? अरे मन को तो उससे भी ज्यादा धोने की आवश्यकता है, क्योंकि नाना प्रकार के विकार तो मन में इकट्ठे होते हैं। और कहा गया है ये मनुष्य शरीर द्वार है, सीढ़ी है। किसके लिए सीढ़ी है? कल्याण करने के लिए सीढ़ी है, ये दरवाजा है, ये मोक्ष का मार्ग है। इसलिए यहाँ तो और ज्यादा सफाई चाहिए। और मनुष्य के शरीर में कोई चीज साफ करने योग्य है तो वह है मन की सफाई करना। इसलिए भक्त रैदास को कहना पड़ा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। पूज्य श्री साहब के आज्ञा अनुसार मैंने थोड़े शब्दों में अपनी बात रखा देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। धन्यवाद। हेलो, श्री भूपेंद्र जी अच्छे विचार दे रहे थे कि किस प्रकार संत समागम में आने से लाभ होता है। असली गंगा क्या है? जिस गंगा की महिमा हम सुनते आए हैं, नहाते हैं तो केवल शरीर का मैल धुलता है, लेकिन मन करते हैं मतलब असली क्या है? मन के मैल को धोना, जीवन को पवित्र बनाना। और वो काम हम सब यहाँ बैठ करके करते हैं, सुनते हैं, ताकि भीतर का कलमश धुले। अब और हम विचार सुनते हैं, हमारे बीच विभिन्न आश्रमों से, दूर दराज से, विभिन्न प्रांतों से संत जन पधारे हुए हैं। थोड़े थोड़े विचार सुने। मैं निवेदन करता हूँ, कबीर आश्रम करखड़ी से पधारे हुए श्री अचल साहब जी, आप यहाँ आ जाएं साहब जी, और सवा दस तक के आपके विचार हों, फिर हम संत श्री सजीवन साहब जी हम लोगों के बीच में विराजमान हो चुके हैं, आप कटिहार से पधारे हैं, आपके विचार हम लोग सुनेंगे सवा दस तक। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अविलत समाज की जय। साहेब चंदूलाल जी हैं क्या भजन गायक? गुरुर् ब्रह्मा भजन गाएंगे, गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप, गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगलकरण दीनबंध गुरु सन, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज श्री साहब जी, मंचासीन उपस्थित श्री मान साहेब जी तथा अध्यक्ष साहेब जी, उपस्थित मुदमंगलमय संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का
यह प्रथम सत्र शुरू हुआ है जिसमें आप प्रथम सद्गुरु कबीर देव के मूल ग्रंथ बीजा का पाठ श्रवण किए, उसके बाद अनेक मनीषी संतों के भजन और विचारों से आप लाभ ले रहे थे। आज ये जो प्रथम दिवस का सत्र है, सद्गुरु श्री साहेब जी की पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जा रहा है। साहेब जी थोड़ा समय दिए हैं, आप लोग जानते हैं समय बहुत तेज़ी से भग रहा है, तो हम सादर श्रद्धा सुमन सद्गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हुए कुछ विचार या संस्मरण उनके सुनाते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारे साहेब जी के द्वारा, संसार में सभी चाहते तो हैं सुख, पर मिलता है दुख। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता हो, कोई दुख चाहता हो तो हाथ ऊपर करे, दुख कोई नहीं चाहता। चाहता क्या है? सुख चाहता है। सदगुरु कबीर साहब जी हमें कहते हैं कि चाहत सुख और दुख संग ना छोड़ा। बोलते चाहते तो सभी सुख है पर दुख का साथ नहीं छोड़ते। बोले दुख का साथ कैसे पकड़ते हैं? आप जानते हैं संसार में कैसे दुख आता है। दुख कोई देता नहीं है संसार में। जितने भी प्राणी हैं या जीव जंतु हैं, जो भी हैं, वो सब अपने ही किए हुए कर्मों के फल स्वरूप में भोगते। हम किसी को दोष नहीं दे कि भाई परमात्मा हमारे से रूठ गया, हमारे को ऐसे दुख दिए, नहीं। संसार में सब अपने ही किए हुए कर्मों के फलों को भोगते। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि अपने कर्मों को ठीक करो। हम चाहते तो सुख है पर दुख का साथ नहीं छोड़ते। सदगुरु श्री विशाल साहेब जी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि दुख छूटन सब ही चाहे। संसार में सभी लोग दुख से छूटना चाहते हैं, पर चाहते तो हैं कि दुख से छूटे, पर दुख देना बंद करते नहीं। जब हम दुख देंगे तो सुख कैसे मिलेगा? आप सोचो, जैसी करनी वैसी भरनी। जो हम जैसा कर्म करेंगे वैसे फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा, उससे छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे साहब जी अभी बोले गंगा में नहा लो तो क्या सुख मिल जाएगा, हमारे पाप धुल जाएंगे? बोले पाप नहीं धुलते हैं, शरीर जरूर धुल जाता है। यहाँ जैसे साहब ने बोले गंगा भी बह रही है, आप जाएंगे सब, बहुत से लोग संगम में भी जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है। तो गंगा जमुना तो दिखाई देती है पर सरस्वती मानता है कि नीचे से आती है। तो वहाँ आप जाएंगे स्नान करेंगे तो आपका शरीर जरूर ठंडा हो जाएगा पर मन ठंडा नहीं होगा। शरीर जरूर शुद्ध हो जाएगा पर मन वहाँ से शुद्ध होने वाला नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है कि बोले वो गंगा में नहाओ भले नहाओ, पर बोले असली गंगा ये है जो आप लोगों के सामने बह रही है। और ये तीन दिन के लिए आप देख रहे हैं सब विशाल संगम है, पूरे भारत से नहीं, नेपाल से भी, विदेशों से भी, सभी जगह से यहाँ लोग पधारे हुए। तो कहते हैं हमें इस गंगा में गोता लगाना है जिसको संत महापुरुष कहते हैं, भरी सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर में दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। बोलते हैं भरी सत्संग की दरिया, इस सत्संग रूपी सरोवर में जो हम गोता लगाएंगे तो बोले वहाँ हमारा मन ठंडा होगा, वहाँ शरीर ठंडा होगा पर मन नहीं ठंडा होगा। जब आप गंगा में गोता लगा के आते हैं तो शरीर ठंडा हुआ पर मन में तो उसे भरा रहता है, सब राग भरा है, द्वेष भरा है, काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, बोले सब द्वेष उसी प्रकार से रह आते हैं। परंतु यहाँ जब इस गंगा में आप गोता लगाते हैं सत्संग रूपी सरोवर में तो कैसा फल मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, आप सब जानते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा मत सोचना कि हम लोग यहाँ ऊंचे बैठ करके आपको सुना रहे हैं तो आप समझ लें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। नहीं, आप सब ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, परंतु हमारे क्या है, हम भूल जाते हैं।
इसलिए संत महापुरुष हमें उस भोल को याद दिला देते हैं, और याद दिलाते हैं यही उनका उपकार होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें कहते हैं, पर अभी आप नहीं बताएंगे क्या कहते हैं, हम बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला और काक हो ही पिक बक हो मराला। याद आ गया कि नहीं? जो लोग पढ़ते हैं जानते हैं, उन्होंने सत्संग की महिमा पर तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर वर्णन करते हुए, और उन्होंने कहा कि मज्जन फल देखिए तत्काला, माने इस सरोवर में आप बैठेंगे गोता लगाएंगे तो तत्काल फल मिलता है, ऐसा नहीं कि बाद में मिले। मज्जन फल पेखिए तत्काला, बोले कैसे मिलता है, बोले काक हो ही पिक बकहु मराला। बोलते हैं कौवे जो है कोयल हो जाती है और बगुले जो है हंस हो जाते हैं। आपने देखा है ऐसा कि कौवा कोयल हो जाए और बगुला हंस हो जाए? ये उदाहरण है, ये दृष्टांत दिया गया है कि जो कौवे के स्वभाव के हैं इंसान, जिनका स्वभाव है काँव काँव करना, लड़ना झगड़ना, बोले ऐसे जो कौवे के स्वभाव के लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, बोले वो काँव काँव छोड़कर मीठी बोली बोलते हैं। कोयल को आप देखते हो ना, मीठी बोली बोलते हैं, और कौवा जो है हमेशा जहाँ देखो वही काँव काँव करते रहते हैं। तो कहते हैं काक हो जो कौवे के स्वभाव के इंसान हैं वो कोयल हो जाते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, और जिनके अंदर से मधुर वचन निकलती है तो कहते हैं मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। तो कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तो बोलते हैं मधुर वचन बोलो, मीठी वाणी बोलो, मीठी वाणी बोल कर देखो कोयल सबके मन को बस में कर लेती, और कौवा जो है काँव काँव बोलता है तो लोग उड़ा देते। वैसे कौवा जो है ना संदेश वाहक है, पहले जब मोबाइल नहीं था ना तो कौवा संदेश देता था, आप लोग भी जानते होंगे। कौवा सुबह सुबह घर पर आकर मुड़ेरी में बोलता था तो लोग समझ जाते थे कि कोई मेहमान आने वाला है, तो देखो संदेश ले आता था भविष्य वक्ता। पशु पक्षियों को बोलते हैं, वैज्ञानिक भी सब बोलते हैं कि पशु पक्षियों को पता चल जाता है, आज हमारे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते हैं, धरती कंप हो जाता है पर जो पशु पक्षी हैं उनको पता हो जाता है, वो दौड़ने लगते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं, वो भागने लगते हैं उधर जिधर से तूफान या उपाधि आने वाली। तो कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तो बोले मधुर वचन बोलो, कौवा काका धन हर लेता कोयल को दे देती है ना। तो ऐसे सुना है कि आप मीठी वाणी बोल करके आप जो चिड़िया है ना चकली जिसको बोलते हैं चिड़िया, उसका भी दूध ले सकते हैं, और यदि कठोर वचन बोलकर या आप किसी से जबरदस्ती कुछ लेना चाहें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा विचार आप लोगों को दिया साहेब जी के आदेश अनुसार कि हम सत्संग में जाएं तो हमारा जीवन सुख में शांति में बन जाएगा, तत्काल फल मिलता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। बोलते हैं बगुले जो है वो क्या बन जाते हैं, हंस बन जाते हैं। अब आपने तो देखा होगा बगुला कभी हंस नहीं बनेगा, बगुला तो बगुले रहेगा। ये तो उदाहरण दिया गया है कि जो बगुले के स्वभाव के इंसान हैं, जिनका खान पान गलत है, वो लोग सत्संग में आते हैं तो उनका खान पान बदल जाता है और वो बगुले से हंस बन जाते हैं। जो गलत खाना, गलत पीना, गलत देखना, गलत सूंघना, ये सब बोले उनका बदल करके वो हंस स्वरूप हो जाते हैं। हंस किसे कहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है नीर छीर का करे निवेरा और कहें कबीर सोई जन मेरा। जो नीर छीर विवेकी हो जाते हैं वो हंस कहलाते हैं। इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा विचार साहब जी के आदेश अनुसार दिया, समय की मर्यादा है इसलिए हम अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। आदमी ने
तत्काल बदलाव आता है। क्या बदल जाता है? क्या जिस शरीर से आप लोग आए हैं क्या वो शरीर बदल जाएगा? कपड़ा तो वैसे भी रोज बदलते हैं, क्या बदल जाएगा? चेहरा बदल जाएगा? मैं क्या पूछ रहा हूँ, संदेश पहुँच रहा है? सत्संग में आने से क्या बदल जाता है बता रहे थे ना, समझ बदल जाती है। जो हमारी समझ सकती है ना, वो चेंज हो जाती है। जो पहले गलत जगह हमारा आकर्षण था, समझ थी कि यह करने से हमें आनंद आएगा, ऐसा खाने से ऐसा पीने से हमें आनंद आएगा, शांति मिलेगी, ये समझ थी। लेकिन जब सत्संग में आए तो क्या पता चला, अरे नहीं, ये नहीं है रास्ता सही, ये रास्ता है सुख और शांति के रास्ते ही अलग हैं। वह जीवन को संयमित करने में है, जीवन को संवारने में है, जीवन की पवित्रता में है। एक समझ आ गई, और जैसे ही भीतर से आप बदले, जैसे ही समझ आपकी दुरुस्त हो गई, सही हो गई, तो आप इंसान बदल गए। तो आते वक्त जो आप थे, अब जाते वक्त दूसरे इंसान हो गए, दूसरा रूप बन गया। इसी को कह सकते हैं पुनर्जन्म हो गया। ज्ञान के द्वारा माता पिता से शरीर का जन्म होता है, लेकिन जब गुरु का ज्ञान होता है तो आध्यात्मिक जन्म होता है और साधना बन पड़ती है। तो जिस जीवन से दुख और अशांति का अनुभव कर रहे थे, उसी जीवन से सुख और शांति का अनुभव करने लग गए। जिस परिवार में रह करके संघर्षमय जीवन जी रहे थे, अब उसी परिवार में रह करके प्रेम पूर्ण जीवन जीते हैं। क्या बदल गया? आपके भीतर में बदलाव आ गया, सोचने का ढंग बदल गया, बोलने का ढंग बदल गया, करने का ढंग बदल गया। ये सत्संग का फल है, यदि हम आते रहें तो। एक बात शुरू में साहब ने क्या कहा, हम सभी सुख चाहते हैं लेकिन मिलता क्या है, क्या कहा, दुख मिलता है। मैं सहमत कम हूँ, मैं बताऊँ, हम सभी दुख ही चाहते हैं। आप क्या कहते हैं कितने लोग चाहते हैं, मैं बताऊँ, आप जो चाहते हैं वही तो मिलेगा। आप कहेंगे देखिए मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा कह रहा हूँ, चाह और राह, समझ गए ना, चाह और राह, जहां आपकी चाह हो उस रास्ते पर चलें, चाहे कुछ और रास्ता कुछ हो, करें कुछ हो, यही रहा है। क्या हो रहा है, हम उस रास्ते में जा रहे हैं जहां से दुख मिले, और भीतर से और क्या कह रहे हैं, मुंह से हमें सुख चाहिए, रास्ता ही गलत पकड़े हो ना। जब रास्ता ही गलत है तो कहां से मिलेगा, तो फिर क्या आपके रास्ते, जैसे हमें यहां से जाना हो बनारस, ये हम चाहते हैं बनारस, अब चल किधर रहे हैं, कानपुर की ओर, क्या हो गया, समझ गए ना, कहाँ चल रहे हैं, कानपुर की ओर। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं बनारस जाना चाहता हूँ, लोग कहेंगे बनारस नहीं जाना चाहते हैं आप, क्या कहेंगे, आप तो कानपुर जा रहे हैं, सही है ना। तो आपकी जो चाल है ना, उसको देख करके बता दिया जाएगा कि आप चाहते नहीं है बनारस जाना। यदि आप बनारस जाना चाहते तो बनारस के रास्ते में चलें, उस राह में चलें। यदि हम सुख चाहते हैं तो उन कर्मों को करें, उन बातों को सोचें, उन शब्दों को बोलें जिसके परिणाम में सुख और शांति का अनुभव होता है। यदि हम ऐसे विचार सोच रहे हैं, ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसके परिणाम में दुख मिल रहा है, तो हमें क्या कहा जाएगा, हमें क्या कहना चाहिए, सचमुच मैं दुख चाहता हूं। आप क्या कहेंगे, नहीं मैं चाहता तो सुख भले मिलता, नहीं, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं करते, इसको आप जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे, जो रोज रोज जो परिणाम आ रहा है ना, रोज को
रोज जो जीवन में परिणाम आ रहा है, रिजल्ट, वह रिजल्ट बता रहा है कि आप करते क्या हैं। उस रिजल्ट को देख करके आप बदल दीजिए। यदि आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, क्या करना है, चेंज योर अप्रोच इमीडिएटली। यदि आप अपने जो रोज के रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं जीवन को, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, सुबह से शाम तक जो आपको अनुभव होता है, जो महसूस होता है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिस्तर पे जाते जाते रात में आपको लगता है आज का दिन मैंने बहुत अच्छा जिया है और मैं सुख की नींद सोने जा रहा हूँ, सबके साथ मैंने अच्छा किया है, अपने लिए भी अच्छा किया, दूसरों के लिए अच्छा किया, ऐसा सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है? यदि आप नहीं है ऐसा, यदि भीतर से आप पूर्ण संतोष और आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो क्या परिणाम आ रहा है? असंतोष का परिणाम आ रहा है, दुख का, अशांति का परिणाम आ रहा है। आप संतुष्ट नहीं है तो क्या करना है? चेंज योर अप्रोच। आपका जो ढंग है ना, आपकी जो पद्धति है ना करने की, उसको बदल दें इमीडिएटली, मतलब तत्काल बदल दीजिए आप, मतलब आपका सोचने का तरीका बदल दीजिए, बोलने का तरीका बदल दीजिए, करने का तरीका बदल दीजिए, परिणाम बदल जाएगा, परिणाम बदल जाएगा। परिणाम अपने आप नहीं बदलेगा, फसल बदलने के लिए आपको बीज बदलना पड़ेगा, सही है, फसल बदलने के लिए बीज बदलना पड़ेगा। यदि आप अपना अनुभव बदलना चाहते हैं, परिणाम बदलना चाहते हैं, तो आप अपने चिंतन को बदलिए, शब्दों को बदलिए और व्यवहार को बदलिए। किसी पूजा उपासना की जरूरत ही नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है, असली परमात्मा आपका आपके भीतर बैठा हुआ है, आप उसके साथ दुर्व्यवहार न करिए। हम सभी वही करने में लगे हुए हैं, उसके दुश्मन बने हुए हैं, आप उनके अनुकूल बन जाइए। वो प्रिय नहीं है उनको, क्रोध प्रिय नहीं है, द्वेष प्रिय नहीं है, नफरत प्रिय नहीं है, घृणा प्रिय नहीं है, प्रेम और मैत्री प्रिय है, क्षमा और करुणा प्रिय है। परिणाम तब आएगा, आप बदलाव नहीं लाएंगे और कहेंगे मैं सुख चाहता हूं, नहीं होगा। कितनी बार मैं ये सूत्र कहा हूं आप लोगों के बीच में, हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं, जिसके हम योग्य होते हैं। केवल चाहने से नहीं होगा कि मैं सुख चाहूं, शांति चाहूं, मैं फर्स्ट नंबर आऊं, मैं कलेक्टर हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, नहीं। कब? आपकी योग्यता है क्या? आप कलेक्टर बनने के योग्य हैं क्या? आप फर्स्ट डिवीजन आने के योग्य हैं, मेरिट में आने के योग्य हैं क्या? आप सुख और शांति के अनुभव करने के योग्य? कौन सा ऐसा काम किया जिसके परिणाम में आपको सुख और शांति मिले? क्या किया है आपने? क्या प्रकृति पक्षपात करती है, आपके कर्मों के विपरीत फल देती है? ऐसा कभी हुआ है क्या? साहब ने क्या कहा है, यदि बबूल का बीज बोओगे, पेड़ बोओगे, तो क्या मिलेगा? आम मिलेगा। क्या कहा है, बोया पेड़ बबूल का, आम खूब खूब खाए, ऐसा है क्या? यदि बबूल का पेड़ बोओगे तो आम मिलने वाला, ये नियम है। और आप क्या कह रहे हैं, मैं तो चाहता सुख हूं लेकिन दुख मिल रहा है। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? घर वाले ना, गांव वाले या ऊपर वाले? यही समझ तो ठीक करनी है, दुरुस्त कर लो इसको, भीतर वाले को, ये ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, बस कोई नहीं, मैं बस। चलिए इस विषय पर हम लोग समय से चर्चा करेंगे, ये तो बढ़ जाएगा। इतनी सी बात है, इस विषय पर सुन रहे थे कि सचमुच हम सुख चाहते ही नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, चाहते ही नहीं है। और मैं इसको और विस्तार से शाम को बता दूंगा, सचमुच कैसे नहीं चाहते हैं उसको, अभी तो मेरे पास समय नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि सचमुच हम नहीं चाहते, और चाहेंगे तो मिलेगा, ये पक्की बात है। आप चाहें और कौन रोक सकता है आपको? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। आप यहाँ आना चाहे आ गए, कौन रोका? नहीं रोक सकते हैं। यदि आप जाना चाहें अभी, तो हम लोग मनाएंगे, भैया बैठ जाओ, दो दिन तीन दिन रुक जाओ, मानेंगे, चुपके से निकल जाएंगे, दीवार फांद के भाग जाएंगे, सही है? नहीं रुक सकते हैं, आप चाहें और कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, ख्याल आया तो शाम को चर्चा करूं, अभी तो हम श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहब जी के विचार सुनने वाले हैं। मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय श्री साहब जी से कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें।
और आपके विचार हों, फिर पूज्य श्री साहेब जी पधारेंगे और साहेब जी के विचार सुने। इसके पूर्व हमारे बीच बहुत प्रसिद्ध भजन गायक चंदूलाल जी, जिनके भजन आप लोग कैसेट और सीडी और मेमोरी के माध्यम से सुनते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। पहले वह न जाने कितने उसके एल्बम बन चुके हैं, वे हमारे बीच उपस्थित हैं। एक भजन उनसे सुनेंगे। भजन, हाँ माइक लगाओ, शीघ्र माइक लगाओ, पहले ही बता दिया था। आप लोग फिर क्या होगा, साहेब जी का प्रवचन होगा और प्रवचन के पश्चात कुछ सूचनाएं होंगी, वो आप सुन करके भोजन में जाएंगे। भोजन में जाएंगे, मैंने कहा था कोई भगदड़ की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठेंगे, सेवा करेंगे। आप लोग को चाहिए क्या मानना चाहिए, मुझे पहले लोगों को खिलाना है फिर खाना है। खिला करके खा के देखो, उसकी अलग ही संतुष्टि मिलेगी। क्या अब हम क्या कहते हैं, मुझे पहले, मुझे पहले, मुझे पहले। अरे देखो तो देखो, और कुछ नहीं है देने का मतलब, जो वहाँ अंदर है उसको बाहर निकाल करके परसना है, इतना तो करना है। क्या करना है, जो अंदर है उसे निकालना है, लोगों के पत्तल में डालना है, पारस करना है, खाते हुए देखना, बड़ी संतुष्टि मिलेगी, फिर उसके बाद बैठ के खाना, सही है, अच्छा लगेगा। माता बहनें भी करती हैं, करना भी चाहिए, आप लोग भी करें, सब लोग करें, और थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो काम हल्का होगा, समय से भोजन संपन्न हो जाएगा, आपको विश्राम का अवसर मिलेगा और ठीक 4 बजे पुनः भजनों का आनंद लेंगे और प्रवचन का आनंद लेंगे। जिसके लिए आए हैं वो पूरा लाभ ले सकेंगे। अब आए सुने पूज्य श्री सजीवन साहब जी के विचार।